अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नाजीन सॉरी, जो मेरा एक पेटेंट स्टाइल था वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हैंगर की तरह हैंग हो गया। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज के शो में, जैसे कि आपको मालूम है, चार दिन के बाद जब मैं आती हूँ तो खूब सारी बातें होती हैं, लेकिन वो एक मोमेंटम होता है, कहते हैं एक किताब भी निकली मोमेंटम, एक मोमेंटम के साथ जब आप आते हैं ना तो उसके बाद फिर आपका दिमाग जो खुल जाता है। अब मैं अब्रप्टली आ गई हूँ तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या क्या कहना है, लेकिन ये कि अभी मैं कोशिश करके आपके साथ साथ होंगी। कॉल करने के लिए 051 नंबर चेंज होते रहते हैं, 4102259 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा K2 सार मिशी खान का जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर लें। मिशी खान ऑफिशियल इज़ ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान एट मिशीलिशियस इज़ ऑन ट्विटर। लाइव स्ट्रीमिंग पे आप ये शो देख सकते हैं, www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें तो आप इस शो में, मतलब इस शो को इंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ दो और जगह जहाँ पे यू कैन फाइंड मी इज़ स्नैपचैट पे खान मिशी 77 एंड मेरा फेवरेट ऐप जो है नाजीन, दैट इज़ टिकटॉक। आजकल उसके ऊपर है मिशी खान ऑफिशियल, उस पर जाएँ, एक से एक वीडियो है, डायलॉग्स हैं, उसके अलावा इंग्लिश गाने भी हैं। एंड आई थिंक वो बड़ा, जिस तरह होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिनको हम स्ट्रेस बस्टर्स कहते हैं, सो आई थिंक टिकटॉक इज़ अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। लेकिन कुछ उल्टे सीधे लोग भी आ जाते हैं बीच में, लेकिन फिर उनकी जो किट लगाते हैं बाकी लोग, वो मैं हैरान हो जाती हूँ कि मतलब आप किसी को कुछ कह दें, नहीं देखना तो दूसरा वाला वीडियो देख लें, लेकिन लोग बैठ के ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं वीडियोस पे, इवन जो सेलिब्रिटी की पिक्चर्स आती हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड साथ में फेसबुक, कि मुझे हैरत होती है कि हम लोगों की जो माशरा है उसमें ख़वातीन ओ हज़रात के दिमाग किस तरह चलते हैं कि इतनी गंदी बातें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो किसी के लिए, किसी कोई आपको नहीं पसंद है सो पास कर दें, किसी जो आपको पसंद है उसके लिए लिख दें, बट यही मैं अक्रॉस द बॉर्डर या इंग्लिश फिल्मों के जो एक्टर्स हैं उनके नीचे पढ़ती हूँ, उसमें मैं भी शायद 50 या 60 या 100 कमेंट्स में एक कोई ख़राब सा कमेंट होगा, बट हमारे तो कमेंट्स जो हैं लोकल हमारी सेलिब्रिटीज़ के लिए और जितनी फेमस लोग हैं उनके लिए, नीचे कॉमेंट्स सेक्शन में आप जाएँ तो आपका सर में दर्द हो जाएगा कि इतना, और आदमी तो आदमी जितनी ख़वातीन जो हैं वो गलत कमेंट्स और बुरे कमेंट्स और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करती हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए, कि मैं आपको, आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो आप हिस्सा ले सकते हैं शो में। आज का सवाल है कि पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं, पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो बहुत अमेजिंग, पाकिस्तान का नाम उन्होंने एकदम से रोशन किया, गिलगित बल्तिस्तान द जूल ऑफ पाकिस्तान का जब मैं सिलसिला करती थी तो उसमें एज अ गेस्ट आए थे और बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त, एंड आई थॉट कि इनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे इनका एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट जो है वो ये शोकेस कर सके, और वैसा ही हुआ कि बॉक्सर हैं और आमिर खान एकेडमी जो है इस्लामाबाद में, आमिर खान जब आए थे ब्रिटिश निजाद जो हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर हैं इंटरनेशनल फेम, वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इन्हें खेलते हुए देखा तो उनको इनकी, इनका खेल इतना क्लिक किया कि उन्होंने प्लेटफॉर्म इनके लिए जो है मुहैया किया इनको, और इनको न्यूयॉर्क में होने वाले अभी जो बॉक्सिंग मैच है उसमें इनको सिलेक्ट किया। लेकिन उससे पहले इन्होंने दुबई में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो है वो जीती, सो मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसी शो में आए थे। उस वक्त दिल बर्दाश्ता इसलिए भी थे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और हमारे यहाँ पे और जो उसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने उनके टैलेंट को उस तरीके से नहीं जाना जिस तरीके से जानना चाहिए था, लेकिन आई एम ग्लैड कि राइट पर्सन ने इनको देखा और इनके टैलेंट को महसूस किया और ऑफकोर्स एक्सपीरियंस किया और उन्होंने इनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया। सो आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ आज होंगे ज़बरदस्त, वेरी टैलेंटेड बॉक्सर उस्मान वज़ीर, बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट अस्तोर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वन इंटरनेशनल बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट जैसे कि मैंने आपसे कहा दुबई में 2019 में, और ही हैज़ बीन ट्रेन्ड एट द आमिर खान बॉक्सिंग अकेडमी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, हैज़ इम्प्रेस द पाकिस्तान ओरिजिन ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान विद हिज स्किल्स। सो और इनकी आज वालदा भी साथ होंगी, मसरत यूसुफ हैं, मदर ऑफ उस्मान वज़ीर, सोशल वर्कर हैं, सो इनके जो
ये प्लेटफॉर्म के बाद जब इनके ख्याल आते हैं ना, कहते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद इनसे आज आपकी मुलाकात कराऊंगी. तो विदाउट फर्दर ड्यू आज का जो रेसिपी है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी. लेकिन उससे पहले, कॉल लेने से पहले, आज का नाज़रीन ड्रेस जो है, इट्स वेरी वेरी समरी ड्रेस. ये जो शलवार है, ये शलवार है आज का, ये देख लें, ज़बरदस्ती शलवार है. और साथ में बकौल मेरी टीम मेंबर के कि स्कूल का टाइम याद आ गया. लेकिन अब ऐसी गर्मी हो गई है कि इंसान को ना वो अब कुछ हील्स पहनने का भी मूड नहीं है. और जो है अच्छे लाइट कपड़े जो है, मेरी अम्मी बड़ी खुश हुई होंगी, भाई शुक्र है तुमने कॉटन के कपड़े पहने. सो फर्स्ट कॉलर से बात करते, देखते कौन है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. और नाज़रीन मैचिंग मग. हमारे कॉलर इतने बेचारे, इतने मज़े के हैं कि दो सेकेंड का वेट नहीं करते. सो जल्दी जल्दी कॉल करें. और आज का सवाल आपको बता दूँ के है, पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं. 0514102249 हमारा आज व्हाट्सएप नंबर है कि नहीं है. व्हाट्सएप नंबर है हमारा जो चल रहा है. अच्छा, व्हाट्सएप नंबर भी नाज़रीन है जो कि रमज़ान शादमान में चला था. दैट वाज अ रियल गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोगों के जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो पढ़ के बड़ा अच्छा लगा कि जिनको कॉल्स नहीं मिल रही होती वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं. तो आज की जो रेसिपी है, तारा मलाई टिक्का पुलाव है नाज़रीन. इतने मज़े का होगा अगर आपने बनाया. और अगर आपसे मिस हो गई आज की रेसिपी, लाइट नहीं है या 10 और प्रॉब्लम्स जो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में होती हैं, तो आप रात में 11:30 बजे रिपीट पे देख रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बोल रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ गुजरात से. अली बात कर रहे हैं फ्रॉम गुजरात. कैसे हैं अली? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. खैरियत से क्या कहना चाहेंगे अली? मैं कहना चाहूंगा कि आपका शो बहुत ही अच्छा है. और मैं आपका शो, इसको कहते हैं नाज़रीन के एकदम से कॉल ड्रॉप होगी. अब चलते हैं. आई वॉन्ट के हमारे थोड़ा सा एक प्रोसीजर है इसमें. मैं नहीं चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपसे अंग्रेज़ी झाड़ी अभी, कि विदाउट फर्दर डू, जब मैं पहले अपना ये एप्रन निकाल लूँ. मलाई टिक्का पुलाव के लिए आपको ऑब्वियसली जो है चिकन जो है बोनलेस आपको चाहिए. मैं इंग्रेडिएंट्स आपको जल्दी जल्दी बता दूँ. ये है, ये बोनलेस चिकन है, ये आप ले लें. गोल कटे हुए इस तरह के टमाटर हैं, ये देख लें, गोल कटे हुए टमाटर हैं. उसके अलावा मैरिनेशन के लिए आपको बता दूं, जो चिकन की पहले मैरिनेशन होगी, आप लोगों ने इसको 15-20 मिनट तक रखना है. मेरे पास टाइम नहीं तो मैं एकदम से फ़ौरन से बना दूंगी. सो इसमें आपको चाहिए क्रीम, एक पैकेट क्रीम चाहिए, नमक चाहिए, साथ में ये लहसुन अदरक कुटा हुआ 1-1 टीस्पून ये चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च ये चाहिए, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा. ये जो है ये मैरिनेशन है. चावलों के लिए आपको चाहिए ये साबुत गरम मसाला. ये सारा नहीं डालेंगे, इसमें से थोड़ा डालेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा भी बहुत जो है ख़राब होता है. सो उसके साथ साथ प्याज को हम ब्राउन करेंगे. और मैंने इसमें दो इस तरह के ये जो मग्स हैं ना, ये दो मग इसमें डाले हैं चावल के. इसको भिगो दिया, धो के भिगो दिए. और अगर 2 कप आपने इस तरह के मग में चावल लिए हैं तो इस तरह के 4 मग डलेंगे पानी के. तो मैं आपको सिर्फ रेशो बता रही हूँ. ये हो गया. बाकी हमारे पास फॉयल है और साथ में कोयला. कोयले को मैं पहले से ऑन कर लेती हूँ. और मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट होगी कि वो जो दूसरा पैन है, ओई दूसरा पैन जो है वो अगर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, ताकि मैं दोनों चीज़ें एक साथ कर लूँ. बिकॉज आज के हमारे गेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. और सो सॉरी नाजी, इसको कहते कच्ची हो जाना. तो ये है, 2 पैन्स हो गए. दोनों प्रोसीजर हम साथ साथ ही करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बोल रहे हैं? जान आलम जी. जान आलम. जान आलम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? किस जगह से बोल रहे हैं? मैं स्वाबी से बात कर रहा हूं. करें ना, ऊंचा कर दें प्लीज. जी जी, कहां से? मैं स्वाबी से बात कर रहा हूं. स्वाबी से बात कर रहे हैं. कैसे हैं? सब खैरियत है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक खैरियत है. आपकी शो बहुत अच्छी है. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका. और कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, मेरी आवाज़ नहीं जा रही कि कुछ है गड़बड़? सम गड़बड़ इज़ गोइंग ऑन नाज़रीन. हमें गड़बड़ जो है सुंगाई दे रही है. अच्छा, दोनों मैंने पैन्स इसलिए ऑन किए हैं
सो दैट एक को मैं इधर रख लेती हूँ. सबसे पहले मैं चावल के लिए, चावल हम अलहदा, ये चावलों का प्रोसीजर नाजीन अलहदा, इसमें आपने 4 से 6 टेबल स्पून डाल के इसमें ये जो प्याज है इसको हम लाल करेंगे, ये चावलों के लिए. जो चिकन है उसकी मैरिनेशन आपको बता दूँ जल्दी से मैं, इसमें हमने चिकन डाल देनी है. एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा, हमेशा थोड़ा सा जो इसका पानी होता है उसको आप निकाल लें. ये हमने चिकन को डाल दिया बोल में, इसकी ये मैरिनेशन है. ये आपने करके 1 कप इसमें डाल देंगे ये मलाई, 1 कप के बराबर मलाई है, 1/2 किलो जो है वो चिकन है, बोनलेस चिकन, और उसके बाद इस तरह का 1 कप जो है वो चाहिए हमें दही का, दही भी इसी में शामिल करते हैं आप. और इसमें डालेंगे लहसुन अदरक, एक टीस्पून अदरक है और 1 टीस्पून लहसुन है, और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के बराबर नमक, ये जाएगा. इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसमें अब हम इसे मिक्स करेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक. कौन बोल रहे हैं? अरमान बात कर रहा हूँ कराची से. अरमान साहब फ्रॉम कराची. जी अरमान, खैरियत से आप ठीक हैं? जी जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से. आप सुनाएं, सब खैरियत है? अच्छा शो है आपका, काफी बेहतर. पहली बार बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप शो? जी. अच्छा, जबरदस्त. सो मुझे ये बताइए. जी जी बताइए, फरमाइए. आपकी अच्छी है काफी, हैं? डिश भी काफी अच्छी बना रही हूँ. डिश भी अच्छी बना रही हूँ. आप जरूर अपनी फैमिली को कहिएगा आपको बना के जरूर खिलाए. अच्छा ये बताएं, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मैंने सवाल नोट नहीं करा. अच्छा, सवाल ये है कि पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें 4 सूबों से मिलती हैं? शायद चतराल. ऊंचा कर दें जरा, हाफिज साहब. शायद चतराल. जी जी बताइए. चतराल से शायद. चित्राल जी. अच्छा ठीक है, चित्राल आपका. अच्छा ये बताएं कि कराची का मौसम कैसा है वैसे का वैसा? समझ नहीं आती मुझे कुछ, कुछ दफ़ा नहीं हर दफ़ा, हमारे में पेशेंस की कमी हो चुकी है. अच्छा राजीन आप इधर आ जाते हैं. इसको 1 अदद हरी मिर्च जो है उसको मैंने काटना है, ये देख लें. ये हमने इसी में ये जो 2 अदद हरी मिर्चें, ये जो मैरिनेशन है इसी के अंदर डाल देंगे चिकन के अंदर. इस तरह हमने स्लांट करके ये लेके काट ली, और अब ये मैंने इसी मैरिनेशन में ये शामिल कर दिया, ये हरी मिर्च. अब क्या करना है, प्याज जो है वो लाल हो रही है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, दूसरा जो पैन है, अब चिकन हमने बनानी है. चिकन के लिए 1 से 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें ऑयल, और ये जो टमाटर हैं इसको इसमें शामिल कर देंगे. ये चिकन इस तरह बनेगी. इसमें डाल के टमाटर जैसे ही नरम होंगे तो ये चिकन का जो पूरा जो मिक्सचर है जो मैरिनेशन के साथ, ये हम इसमें शामिल कर देंगे. इसमें थोड़ी सी हल्दी मैंने शामिल करनी है, थोड़ी सी हल्दी भी डलेगी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू, मेरी प्यारी सी बेटी मिशी खान और परचमे पाकिस्तान जनाब वाजिब अल इस्लाम कामरान साहब और तमाम के टुकर नेटवर्क के कारकुनान जो जो अपने अपनी जगह पर खिदमत में सर अंजाम दे रहे हैं, सबको मेरा सलामती के साथ सलाम. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट. सो ये मुझे बताइए कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बड़े करम नवाजी हैं, अल्लाह पर भी अपनी रहमतें और बरकतें नवाज फरमाए. आमीन सुबह आमीन, आमीन सुबह आमीन. तो आप कैसे हैं, बड़े दिन बाद आपसे बात हो रही है. जी मैं तो कॉल करता रहा हूं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कॉल मिल ना सकी, या कोई टेक्निकल खराबी थी, या कोई मुझे कह दिया गया कि आज लेडी शो है, आज आपकी बात नहीं हो सकती, तो ऐसा भी हो गया बीच दरमियान में. लेडी शो है? हाँ जी. अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में कुछ हुआ होगा, आपने किसी और प्रोग्राम में कॉल की थी. नहीं जी, ये तो हो ही नहीं सकता. अच्छा हमारे शो में कॉल की थी? जी हाँ. अच्छा अच्छा, ओके ओके. तो और सुनाएं कैसे हैं हाजी साहब, खैरियत से हैं? बड़ा अल्लाह करम है, रात दिन बरसे, बादल हुआ, मस्त हवाएं आई,
बड़े बारिश हुई जबरदस्त तरीके से अटक में, जबरदस्त तो वेरी नाइस, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बिल्कुल, आप सुनाइए, आपकी सेहत ठीक है? आप ठीक हैं? ठीक ठाक भाई साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको भी हिस्सा लेना चाहिए। ये बताइए कि पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं? मेरे ख्याल में शायद शायद कोयटा हो। शायद कोयटा हो, ठीक है ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया भाई साहब। एक एक दो लाइनें सुनाऊं आपको? सुना दें बिल्कुल सुनाएं। आंधियां गम की हजारों चली असर की जिंदगी में, वाह वाह वाह, ना हिला सकी मुझको, वाह, वो जो कभी दूर न रहते थे कभी, हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे आप वतन के अजीज नौजवानों, माओ बहनों बेटियों की इज्जत करना सीखो, तुम इनकी वजह से हो, ये तुम्हारी वजह से नहीं। वाह वाह सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटी, अल्लाह आपके मेरे पूरे केटू चैनल को सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन, बहुत शुक्रिया अजीज साहब, आपकी कॉल मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी एक इंस्पिरेशन होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से इतना आपने कोशिश करके कॉल की, थैंक यू। अच्छा नाजीन, हाई साहब जो है हमारे अटक से कॉल करते हैं, रेगुलर हमारे कॉलर हैं। ये मिक्सचर जो है ये रेडी है चावलों के लिए, ये देख लें, आपने प्याज को अच्छी तरह भूनना है इसको, ये कलर हो गया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी, आधी टी स्पून के बराबर ज़ीरा है, और जो ये जो गरम मसाला है, एक तेज़पात इसमें डालना है, दो ये दालचीनी डलेगी, चार से छः काली मिर्चें और पांच छः लौंगें और ज़ीरा, और बादियान का फूल भी है इसमें एक अदद, ये डाल दिया, छोटी इलायची और बड़ी इलायची एक एक शामिल मैंने इसमें कर दी है। अब ये जो है इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है, क्योंकि ये जो है वैसे तो कुक हो गया है, ये किया, अब इसके अंदर हमने माफ़ कीजिएगा, इसके अंदर जो ये धुले हुए चावल हैं दो मग के बराबर, ये मैंने इसमें शामिल कर देने ऐसे करके, ठीक है, और ये पकेगा अब, और इसमें अब डलेंगे चार इस तरह के मग्स और चाहिए होगा, एक सेकेंड, ये एक, बिस्मिल्लाह मान रहीम, दो, ये हो गए तीन, और ये हो गए पूरे, हो गए चार हमने इसमें डाल दिए। ये अलहदा पक रहा है, ये मैं उस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, अब हम चिकन वाले के साथ साथ ही करेंगे, और फिर इसके बाद मेन दम लगेगा इसमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल रशीद पिशावर से। अब्दुल रशीद साहब फ्रॉम पिशावर, कैसे हैं अब्दुल रशीद साहब, खैरियत से हैं? खैरियत है, आराम से, जरा ये आग माग है, आराम से लगा पकड़ा कर मजबूती से। क्या कह रहे हैं, सॉरी? मैं कहता हूँ ये जो पका रही है जरा मजबूती से पकड़ा करें। जी जी मजबूती से पकड़ती हूँ। ये तो आग है, आग दे दे, हाय हाय, तो थैंक यू सो मच, आपने इतने बारीकी से देखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। और आप ठीक है? जी आपकी दुआएं, और बड़ा आपका जो प्रोग्राम है, जो खासकर मॉर्निंग शो जो होती है, बड़ी जबरदस्त होती है। थैंक यू। और आप प्रोग्राम भी चलाती हैं, लेकिन आप जो खाना काम करती हैं ना, खाने पकाने वाली, जी जी, तो ध्यान सही नहीं होता टेलीफोन की तरफ। ध्यान सही नहीं होता मेरे टेलीफोन की तरफ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दो काम तो नहीं हो सकते, वो तो आग का काम है और पकाने का काम है ना। नहीं नहीं सर, पकाने का काम है, लेकिन वो तो मैं कान से सुनती हूँ ना, ये मैं हाथ से करती हूँ, और ध्यान मेरा उधर भी होता है इधर भी होता है, ये तो मैंने, चलो अब ये कि मैं खाली कॉलर से बात उनको देखती भी जाती हूँ, लेकिन ये कुछ दफ़ा काम भी करती हूँ, ये तो किसी के भी घर में भी होता है। फिर भी प्रोग्राम बहुत अच्छी करती है, बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त आप करती है, मेरे ख्याल में आपके 10-15 साल भी हो गए यहाँ। नहीं नहीं मुझे 6 ईयर्स हो गए, 7th ईयर है ये। अच्छा अच्छा, जी जी, चलो क्वेश्चन करें ना, उसका जवाब कर दिया, ठीक है ठीक है। अच्छा आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल क्यों नहीं, 2-3 का जवाब दूंगा। वो कौन सा शहर है जो कि जिसमें पाकिस्तान की चारों सरहदें मिलती हैं?
یار میرے خیال میں یہ تو پنجاب ہے. نہیں شہر سر, وہ تو وہ ہے پروونس ہے. اچھا میں نے کہا کہ آپ صوبہ کا بات کر رہے ہیں. نہیں صوبہ نہیں, میں نے کہا شہر کا ہے. اچھا اچھا شہر میں میں ٹھیک نہیں دوست نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ راول پنڈی تو نہیں ہے؟ راول پنڈی جو ہے وہ آپ کے خیال میں سر چاروں سرحدیں اس سے ملتی ہیں؟ ہمارے سرحد سے ملتی ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ آپ کا ان سے بات کرتے کرتے. تھینک یو, بڑی کال تھی. بات کرتے کرتے یہ جو ٹماٹر ہیں یہ دیکھ لیں اس طرح کے ہو گئے ہیں. اب اس طرح کے جب ٹماٹر ہو جائیں گول کٹے ہوئے, تو آپ نے یہ میرینیٹڈ چکن جو ہے آپ نے اس کو رکھنا ناظرین, اس کو آپ نے رکھنا ہے کوئی 30 منٹس. میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو اسی میں شامل کر رہی ہوں. یہ دیکھ لیں آپ نے سارا جو مکسچر ہے. اگر ابھی آپ سے مس ہو گیا تو میں ریپیٹ ابھی نہیں کروں گی, لیکن آپ رات میں ریپیٹ میں 11:30 بجے دیکھیں گے تو آپ کو ایگزیکٹ پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا کیا اس میرینیشن میں ڈالا ہے. یہ ہم نے پوری اس میں لے کے یہ ڈال دیا, اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ساتھ میں اس کے آپ رائتا جو ہے وہ کر لیں یا پھر آپ چٹنی بنا لیں تو بڑا زبردست ہوگا. ہمارے ساتھ آگے ہیں مختار حامد راجہ, ان کو میری طرف سے سب کی طرف سے سلام, ویلکم آن دا شو. یہ دیکھیں ناظرین جب آپ بنائیں گے نا, اب اس کو ہم نے کیونکہ کچی چکن ہے اس کو میں نے رکھ دینا ہے تھوڑا سا کک ہونے کے لیے ایٹ لیسٹ 15 منٹ تک. اس کی میں لڈ جو ہے لڈ چھوٹی والی لڈ کسی کو پتہ ہے کہاں ہے؟ اس کے اوپر ڈھکنا ہے چھوٹا والا, کسی کا نہیں ہے. اس سے چھوٹی والی کا ہے. آؤ ادھر آؤ, ہم کو دکھاؤ کدھر تم رکھتا ہے چیزیں. او لولی, یہ تو بہت بڑا ہے. چلو یہی دے دو, تمہیں کہنے والی تھی میں. چلی فی الحال ناظرین اسی کو ڈھک دیتے ہیں اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, اس کو ہم درمیانی آنچ کر لیتے ہیں. کوئلہ جو ہے یہ دیکھ لیں آپ, آہستہ آہستہ فائر پکڑ رہا ہے. اس کو ہم نے اینڈ میں جب دم پہ رکھیں گے اس وقت ہم نے فوائل رکھنا ہے, یہ رکھنا ہے. اس کے بعد یہ ملائی ٹکہ, منہ میں پانی آ رہا ہے ناظرین. ہیلو السلام علیکم, مجال ہے ایک سیکنڈ, ہم لوگ رکتے نہیں ہیں نا, پیشنس کی کمی ہے. اچھا جی, اب ناظرین کل کا آپ کو حال احوال جلدی سے بتا دوں. کل جو ہے میرا جانا ہوا, ان کو میں انوائٹ بھی کروں گی. ریئل انٹرٹینمنٹ کے آپ لوگ پلیز دیکھتے ہیں, ان کے مہراج الدین صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی, تو انہوں نے اسلام آباد کے سارے آرٹسٹ کو جو ہے انوائٹ کیا تھا. تو بڑا اچھا لگا, بڑے دن بعد سارے اپنے کولیگ سے ملاقات ہوئی, جن میں قول نصیر تھیں, قول مسعود تھیں جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں ہوتی ہیں, لیکن وہ بڑی ہمارے ساتھ ان کی دوستی ہے. اس کے علاوہ شامل خان تھے, میں تھی, ایک اور ہیں وہ جو ہمارے پلیز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, کے ٹو کے پلے میں تھوڑے سینئر اداکار ہیں, مجھے نام بھول گیا ان کا دماغ سے. انجم حبیبی صاحب تھے, پھر بابر نیازی, جاوید نیازی تھے, اور اس کے علاوہ کون کون تھا, بہت سارے اور لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. سو بڑا اچھا لگا, کھانا وانا کھایا. پھر پی ٹی آئی کے جو ہیں فیصل جاوید وہ وہاں پہ موجود تھے. ان کے ساتھ دیکھیں میں وہی بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ میں نے ایک دفعہ سفر کیا تھا, سفرنگ کی تھی فرام کراچی ٹو اسلام آباد. ہماری فلائٹ ڈیلے ہو گئی تھی, تو اسلام آباد کا جو لاؤنج ہے ادھر بیٹھ کے خوب, تب وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ہوتے تھے تو ان کو یاد تھا. پھر کافی اچھی کل زبردست سی گپ شپ بھی لگی, اور ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام, کون بول رہے ہیں؟ فیاض بول رہا ہوں جیلم سے, آپ خیریت سے ہیں؟ فیاض صاحب فرام جیلم. جی میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے, آپ سنائیے سب خیریت ہے؟ میں کافی دیر سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, میں نے یہ سوال کا جواب دینا تھا آپ کو. جی جی دیجیے دیجیے. یہ اپنا اپنا پنجاب کا شہر ہے ڈیرہ غازی خان. پنجاب کا شہر ہے ڈیرہ غازی خان. ہاں جی, آپ کے اندازے میں اس سے ملتی ہے ساری جو چاروں صوبوں سے ملتی ہیں؟ ساری ملتی ہے ان سے سرحدیں, چاروں مطلب صوبوں کی سرحدیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ, اللہ حافظ, تھینکس الاٹ. ناظرین بڑے پیارے کالز ہیں, ضرور کال کریں. اچھا اب میں آپ کو جلدی سے بتا دوں, یہ جیسے ہی چاول بوائل ہوں گے اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا, جیسے پانی خشک ہوگا اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے, چکن کک ہو جائے گی, یہ اس کے اوپر ڈالیں گے,
उसके ऊपर फॉइल रखेंगे, कोयला रख के थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के देगचा बंद करके फिर हमने इसको दम पे पकाना है और उसके बाद बन जाएगा ज़बरदस्त सा मलाई टिक्का पुलाव। और बहुत शुक्रिया, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी थे इस दफ़ा ऑन फेसबुक इनबॉक्स में, बहुत सारे थे, बहुत सारे लड़के लड़कियां जो टैलेंट है वो आना भी चाहते हैं, इंशाल्लाह उनको ज़रूर इनवाइट करेंगे। और देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? गुलाम मोहम्मद साहब किस जगह से बोल रहे हैं? बलोचिस्तान से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? दुआएं। आप सुनाओ भाई, खुश हो? ठीक ठाक। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए, सब खैरियत है? खैरियत है, चले जबरदस्त। ये बताइए क्वेटा का मौसम कैसा है? क्वेटा का मौसम अच्छा है, जबरदस्त है मौसम। अच्छा, क्वेटा में रहे से बोल रहे हैं कि किस एरिया से? बलूचिस्तान के क्वेटा हमारे से दूर पड़ता है, इधर से 300 किलोमीटर दूर है क्वेटा। वो अच्छा ओके। तो जगह का नाम तो बताएं। उस्ताद मोहम्मद। नहीं, जगह का नाम? उस्ताद मोहम्मद शहर है। अच्छा, उस्ताद मोहम्मद शहर है। अच्छा, सॉरी। जी हाँ। ओके, ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि टीवी, अच्छा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें जरा, टीवी का वॉल्यूम बंद हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी हो जाएगी। उससे होता ये, क्या पका रही है आज? आज बन रही है मलाई टिक्का पुलाव बन रहा है आज। मलाई टिक्का पुलाव? जी बिल्कुल। ये पुलाव आज अभी आप पता है दूसरे तरीके से बना रही है, पहले पानी पड़ता है फिर बाद में चावल पड़ते हैं, आपने घी के साथ ही वो चावल डाल दिए, ये सही हो जाएंगे? जी बिल्कुल। आप अगर आपका रेशो दो ग्लास आपके चावल है तो उसमें 4 ग्लास पानी डलेगा, ये रेशो होता है। तीन ग्लास चावल है तो 6 ग्लास डलेगा उसमें। जी भाजी, ठीक है ना? जी बस आप जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा। जी हाँ, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इत्तेफाक से कवल नसीर साहब हमारे शो में आ चुकी हैं, तो मेरी बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात थी कि कल उन्होंने कहा कि भाई मिशी, तुमने जो वो मुझे रेसिपी दी थी, मैंने उनके जब वो गेस्ट थी, हम लोग हेड ऑफिस में शो करते थे तब, तो उन्होंने कहा वो जो तुमने पुलाव बनाया था, मैंने तुमसे रेसिपी ली थी, इस वक्त वो हमारे घर का सबसे फेवरेट पुलाव है। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच, मैं इतनी खुश, मेरा तो माय डे वाज मेड दैट मोमेंट। सो ये कि बहुत शुक्रिया उनका। अच्छा अब आप देख लें, ये देख लें, अब ये चावल ये इस तरह के हो रहे हैं। अब ये जब इनका पानी खुश्क होगा तो ये ओवर कुक नहीं होंगे, ये एक कनी जो है ये रह जाएंगे। उसके बाद हमने चिकन, जब तक चिकन को भी देख लेती हूँ, ये सारी चीज़ें अगर आपकी रेडी हो ना तो दिस इज़ नॉट अ वेरी, ये देख लें चिकन, आपको वैसे पता है एक अच्छी कंपनी का अगर आप बोनलेस लेंगे तो वो फ़ौरन गल जाएगा। ये हमारा चिकन जो है ये ऑलमोस्ट, इसमें सिर्फ एंड में हमने गरम मसाला ऐड करना है, पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे तो इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी जो कुकिंग में मतलब चिकन रह जाएगी तो वो दम में ज़रूर इंशाल्लाह बन जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिशी भाजी आप? मैं ठीक ठाक, कौन बोल रहे हैं? नासिर बात कर रहा हूँ फ्रॉम सवाबी से। सवाबी से नासिर, कैसे हैं नासिर आप? खैरियत से हैं? शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे जी? आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत पसंद आता है, हमें रोजाना देखते हैं हम लोग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट जी। तो आज आप क्या बना रही हैं? आज बन रहा है मलाई टिक्का पुलाव। माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेसिपी है। थैंक यू, ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे मिस हो गया है तो जरूर रात में रिपीट में 11:30 बजे शो आएगा तो देखिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आज के सवाल है कि पाकिस्तान के किस शहर की सरहदें चारों सूबों से मिलती हैं? जी ये डेरा गाजी खान पंजाब का इलाका है, इसके चारों सरहदें मिलती हैं। ओके ठीक है, तो जरूर अपनी फैमिली को कहिएगा कि आपको बना के खिलाएं मलाई टिक्का पुलाव, ठीक है ना? थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उस वक्त से भूल रही हूँ कि क्या मैंने भूल क्या रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? दार बजन आपको भी मेरा खास खास सलाम। एंड जितने नाज़रीन देख रहे हैं उनको वंस अगेन मेरा खुश आमदीद, सुबह खैर,
गर्मी हो चुकी है बहुत, इसलिए ईजी हो जाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें किया करें, सोचा करें। इतनी नेगेटिविटी है हमारी सोसाइटी में, टीवी खोलें तो डिप्रेशन, लोगों से बैठें तो डिप्रेशन, खबरें सुन दें तो डिप्रेशन, अखबार खोलें तो डिप्रेशन। सो यू नीड टू फाइंड वेज कि किस तरीके से आप अपने आप को रिलैक्स थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा यू नो निकल जाएं। इसीलिए मुझे टिकटॉक इतना पसंद है क्योंकि मैं कम अज़ कम आई फील वेरी गुड। उसमें एक दो लोग हैं वो अपने वीडियोज जब डालते हैं ना, मैं वेट करती हूँ, इतना हिलेरियस उनका ह्यूमर है ना। अच्छा अब आप देख लें, ये देख लें चावल, अब जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा, बल्कि खुश्क ना भी हो, इसको हम रखेंगे। अब मैं इसको सब चीज़ों को दम पे रख रही हूँ, दम डमाडम हो जाएगा इसको। मैंने रखना है, ये रखा हमने तवा, ये हमने शिफ्ट की, ओई ये क्या हो गया, सॉरी जज्बाती हो गई नाजीन में। दूसरा चूल्हा ऑफ, इस वाले को शिफ्ट इधर, ये किया शिफ्ट। इसके बाद आपने ये चिकन लेके ये इसके ऊपर डाल दी, ये देख लें ये डाल दिया आपने, और ये इसका सारा मसाला आपने इस डिश से ट्रांसफ़र कर देना है इसमें। ये आपको, अगर आप लोग बनाएंगे तो प्लीज़ मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, मज़े की लगी कि नहीं लगी। इसको आपने थोड़ा सा फैला दिया, ये देख लें, कोई धनिया पुदीना कुछ नहीं इसमें डलेगा प्लीज़। अच्छा ये हो गया, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है क्योंकि मैं बातों बातों में चावलों में नमक स्प्रिंकल करना भूल गई, ये डाला। उसके बाद हमने ओके ये फॉइल लिया, आपने फॉइल लिया, इसको इसके ऊपर रखा, इस तरह किया आपने, इसके ऊपर ऐसे करके रख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने ये कोयला लिया, इसके ऊपर रखा, और ये वाला कोयला लिया, इसको इस तरीके से रख दिया इसके ऊपर। अब आपने क्या करना है, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल पोर करना है, और ये जैसे ही धुआं छोड़ेगा आपने इसको बंद कर देना है। ये यही ढक्कन था ना, नहीं ये था इसका ढक्कन, सॉरी ये। अब ये बन रहा है, अब ये दम पे चला गया है। इसको आपने अच्छे तरीके से एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक जो है ये दम पे रहेगा। थोड़ा सा ऑयल हमने इसमें ड्रिजल करना है क्योंकि चावलों में ऑयल मैंने थोड़ा डाला था, हल्का सा आपने ऑयल ड्रिजल करना है। ये हो गया, ये आपने लेके बंद कर दिया। अब ये हल्की आंच पे ज़बरदस्त सा मलाई टिक्का पुलाव जो है दम पे है, ज़रूर आप ट्राई कीजिए।